औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बेसिक डेफिनेशंस की पहले टॉपिक मैटर को स्टडी करेंगे कि मैटर क्या चीज़ है, और उसके मुतालिक हम इंशाल्लाह कंसेप्चुअली कुछ नए आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैटर? मैटर एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इन हिज मैस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट इज कॉल्ड मैटर। दुनिया में जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है ये मैटर है, चाहे जो भी हो, जो हम खाते हैं वो मैटर है, जो द वाटर वी ड्रिंक आर मैटर, हती कि हम बजाते खुद हम भी एक मैटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मैस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट इज कॉल्ड मैटर। अब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मैस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट इज कॉल्ड मैटर। अब हम वो मैटर वो चीज़ होगा जो इस डिफिनीशन पे अप्लीकेबल होगा। क्या मतलब इसका? कि वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसकी मास हो, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया हो और जिसे हम फील कर सकें, हम उसे मैटर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में एक इजी एग्जांपल दिया था कि ये मार्कर है, ये एक मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मैटर है, अभी ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसकी तो मास भी मौजूद है। अभी मास क्या चीज़ है? मास इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड एन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है हम उसको उसका मास कहते हैं। अभी हम दूसरी टर्म की जानेब आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। जैसा कि मैंने पहली भी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि ये एक मार्कर है, ये मैटर है, अब ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसकी मास भी है, जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर इसके अंदर है इसे हम उसका मास कहते हैं। और अगर मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया की बात हम करते हैं कि अगर मैंने इस मार्कर को इस हाथ पर रख दिया तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ही इस हाथ पर ही रहेगा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। और हम चौथा पॉइंट जो कि है, एंड वी कैन फील दैट, और हम इसे फील भी कर सकते हैं कि एक मार्कर है, तो इसे कहते हैं हम मैटर। अब मैटर की, अब दुनिया में जो कुछ भी है वो मैटर है, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल अगर हम मैटर की ले लें, एग्जांपल, तो सबसे पहला एग्जांपल मैटर का है ह्यूमन, ह्यूमन चेयर, दिस मार्कर, दिस ऑल थिंग आर मैटर, ये हमारे पास मैटर्स है। अब मैटर के कुछ स्टेट्स भी है, अब हम डिस्कस करेंगे उसको, उसे कहते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर्स। ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब मैटर किन फॉर्म में पाया जाता है, किन हालतों में पाया जाता है? तो मैटर बेसिकली फोर स्टेट्स में पाए जाते हैं। एक है हमारे पास सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस, और फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा। ये हमारे पास ये फोर फॉर्म्स, इन फोर स्टेट्स में मैटर पाया जाता है।
सब पहले हम मैटर की सिर्फ पार्टिकल नेचर को डिस्कस करते थे, अब फिर डी ब्रोगले ने फिर मैटर की डुअल नेचर को भी एक्सप्लेन किया था। किसने? डी ब्रोगले ने, उसने मैटर की डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया था। उनके मुताबिक मैटर डुअल नेचर शो कर सकता है, जैसे कि पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव एंड नेचर। तो डी ब्रोगली के मुताबिक मैटर डुअल नेचर शो करता है, जो कि पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। अब मैटर हमारे पास, मैटर की कुछ फेवर फॉर्म्स है और कुछ एम्पेवर फॉर्म है, जो कि फेवर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं और एम्पेवर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस। मैटर की फेवर फॉर्म भी होता है और एम्पेवर फॉर्म भी होता है। मैटर की फेवर फॉर्म भी होता है और एम्प्योर प्योर फॉर्म भी होता है। प्योर फॉर्म और एम्प्योर फॉर्म। अब हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं, जबकि एम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा बेसिक डिफिनीशन, वो है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या चीज है? तो सब्सटेंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सब्सटेंस इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस सिंपली ये एक फेवर फॉर्म ऑफ मैटर है। अब हम फेवर किसी कहते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि हम जनरल लाइफ में फेवर उसको कहते हैं खालिस को, जैसा कि हम कहते हैं कि फला दूध बेचने वाले का दूध खालिस है, इसका मतलब ये है कि वो खालिस है। मगर केमिस्ट्री में फेवर हम पेवर उसी कहते हैं जिसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन हो और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, हम उसे फेवर कहते हैं। अब हमारे पास फेवर फॉर्म, हमारे पास सब्सटेंस का वो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है, जबकि एम्प्योर फॉर्म, हमारे पास एम्प्योर फॉर्म में हम मिक्सचर को स्टडी करते हैं। ये हुई हमारे पास अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शंस अबाउट द मैटर एंड अ सब्सटेंस। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे दूसरी वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियो आप तक पहुँचते रहे। Thank you so much.